हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो आज है आप लोग के आई मेकअप सीरीज का क्लास टू। और क्लास वन में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ आई स्ट्रक्चर के बारे में और बेसिक नॉलेज मैं दी हूँ आई मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो अगर आप क्लास वन को नहीं चेक किए हैं तो आप उसे जाके चेक कीजिए, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन भी दे दी हूँ और उसे आप जरूर चेक कीजिएगा। और क्लास टू में आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू फील परफेक्ट आईब्रो। कई लोग मानते हैं कि आईब्रो कुछ खास नहीं है, यानी कि मेकअप कर लिया आईब्रो को फिल नहीं दिखे तो क्या, कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आईब्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे मेकअप में, क्योंकि यदि हम लोग पूरा मेकअप कर ले और आईब्रो को फिल ना करें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो मेकअप अधूरा लगेगा। तो आईब्रो फिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे मेकअप के पार्ट में। यदि हम लोग पूरा मेकअप कर ले और आईब्रो को फिल ना करें तो वो मेकअप अधूरा अधूरा लगता है। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, एक तो बताने वाली हूँ आईब्रो पेंसिल से और दूसरा मैं बताने वाली हूँ आईब्रो फिलर से। इस दोनों के डिटेल्स को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोनों से कैसे कैसे फिल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे फिल किया जाएगा आईब्रो को। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ आईब्रो पेंसिल से कैसे फिल करना है। नीचे से सेव करते जाना है, सेव करते हुए सेंटर में आना है और उसके बाद आपको डाउन की तरफ आना है और यहाँ तक डॉट एक मार लेना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे हम सेव करें तो इसके लिए देखिए पेंसिल से मैं फ्रंट का बता रही हूँ और इसी पेंसिल को क्रॉस करते हुए आईबॉल से क्रॉस करते हुए जाना है ऊपर और एक डॉट दे देना है, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आपको ऊपर तक जाना है। और आउटर कॉर्नर से आप बाहर की तरफ जाएंगे, वहाँ तक सेव करेंगे। उसके बाद आप ऊपर से, मैं यहाँ पे हल्के हल्के बहुत ही हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे सेव कर रही हूँ, पेंसिल से डॉट डॉट डाल रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही कम फिल करना है, ये वाला मैं बता रही हूँ बिल्कुल नेचुरल डेली के लिए। इसके बाद इस पूली लेना है और इस पूली से उसे ब्लेंड कर लेना है और ऊपर की तरफ ये कम्ब की तरफ करना है। तो इस तरह ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेड हो जाता है और बहुत ही नेचुरल सा फिल होता है। तो आप डेली में ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दोनों आईब्रो को दिखा रही हूँ, इनका देखिए जो बिना फिल के वो आईब्रो वो किस तरह का दिख रहा है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पाउडर से कैसे फिल करना है। तो इसमें इस पैलेट में आपका दिया हुआ है वैक्स, इस वैक्स को आईब्रो के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद ये बहुत अच्छे से सेट कर जाता है। यहाँ पे देखिए ग्रे है, ब्लैक है, ब्राउन है। तो यहाँ पे आप बहुत ही नेचुरल देना चाहते हैं तो ग्रे और ब्राउन ले सकते हैं। इस तरह से पहले सेव करना है, जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोग आईब्रो को सेव करते हैं, आईब्रो बनाते इसमें सेव करते हैं इस तरह से यहाँ। और इसके बाद यहाँ पे आज के बाद मैं इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन हो जाना है। ये एक बेस बना, इसी तरीके से बेस यहाँ पे आँच वाला ले लेंगे। तो आगे से नहीं जाना है, यहाँ से लेना है आगे। नेचुरल हेयर कम ही होते हैं तो नेचुरल कम ही रखना है, यहाँ से आ जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आँच से मैं यहाँ पे आँच से दे रही हूँ। और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा टर्न हो जाना है और कहाँ से आज करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो बैक करके। और फिर यहाँ पे आ जाना है और इस तरीके से ये सेप आईब्रो का, और इसके बाद इसमें फिल करना है। इसके बाद क्या, इस ब्रश में एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है और इसके बाद इसी ब्रश से आगे की तरफ चला देना है, आगे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स मारते हुए चलाना है। तो इससे क्या होगा, एकदम नेचुरल फिलिंग होगा, आईब्रो फिलिंग जो होगा बहुत ही नेचुरल होगा। बाद मैं यहाँ पे स्पूली ले रही हूँ और स्पूली से इस तरह से फ्रंट में ऊपर की तरफ ब्रश चलाना है। इसके बाद यहाँ पे सेंटर में आने के बाद आपको इस तरीके से ब्रश चलाना है। आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल आईब्रो फील हुआ है, बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है और शेप कितना खूबसूरत आ गया। पहले का आप देख सकते हैं बैक करके कि पहले का शेप क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं दो तरीके से आईब्रो को यहाँ पे फिल की हूँ। तो ये जो है, अगर आप पार्टी वगैरह के लिए कर रहे हैं, हैवी मेकअप हो तो आप इस तरह से फिल करें, और यदि आप डेली में यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से भी फिल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं नेचुरल दिखेगा और ये भी नेचुरल दिख रहा है, बट ये अगर आप मेकअप करते हैं तो ये ज़्यादा वेस्ट होगा। तो चलिए मैं आगे हूँ दूसरे पॉइंट पे। तो आज का पॉइंट है दूसरा, हाउ टू अप्लाई परफेक्ट आईबेस। इसके बारे में बताने वाली हूँ कि आई मेकअप के लिए आई बेस कितना इम्पॉर्टेंट है।
तो जैसा कि बहुत लोगों को लगता है कि आई वेस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि जो नहीं जानते हैं, जो मेकअप को नहीं सीखे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आई शैडो को अप्लाई कर लेते हैं। तो डायरेक्टली यदि आप आई शैडो अप्लाई करते हैं तो आपका आई शैडो का कलर बहुत अच्छे से उभर के नहीं आता है, और इसीलिए आई वेस बहुत ही जरूरी है आई मेकअप में। आई मेकअप में आई बेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह से मैं अभी बताई कि आईब्रो को फिल करना। तो जैसे यदि हम लोग यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करते हैं और कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के आईज में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, डैट मीन्स ब्लैक होता है, डैट मीन्स डार्कनेस होता है, कुछ लोगों के तो आईज के ऊपर भी होते हैं, आईज के नीचे भी होते हैं। तो इस सभी को कवर करने के लिए आप लोग को आई बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो आई बेस करने के बाद ही आप आई शैडो को अप्लाई करें तो आपका आई शैडो बहुत ही परफेक्ट आता है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि नॉर्मली हम लोग कैसे आई मेकअप करें, मीन्स अगर पिगमेंटेशन नहीं है तो भी मैं बताने वाली हूँ, यदि थोड़ा बहुत है तो उसके लिए कैसे किया जाए, और यदि पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा है तो फिर उसके लिए बेस कैसे बनाया जाए। तो मैं अलग अलग तरीके से आज आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग को बेस कैसे बनाना होगा, और बेस जब आप अच्छे से बनाएंगे तभी आपका मेकअप अच्छा होगा, मीन्स आई मेकअप अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं आप लोगों को थ्योरी ही बता रही हूँ, मैं सारे कुछ को प्रैक्टिकल भी करके बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते प्रैक्टिकल की तरफ। रेड ब्रश हल्का सा जो राउंडेड होता है आगे की तरफ, तो बहुत ही अच्छे से आप इसे बेस बना सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ मैबलिन का कंसीलर, और इसके बाद इससे मैं यहाँ पे बेस बना, तो ये क्या करना है, जिस तरीके से पुल करते हैं उसी तरीके से पुल करना है, और इस ब्रश के हेल्प से आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छे से शेप करना है। तो अगर आपके आईब्रो में थोड़ा बहुत ग्रोथ भी हो, हेयर ग्रोथ भी हो, फिर भी ये बहुत अच्छे से आपका शेप बन जाएगा। तो सबसे पहले आप शेप पे जाएंगे और इसके बाद इसे ब्लेंड कर देंगे। मैं फ्रंट से भी थोड़ा सा शेप कर दे रही हूँ इसी कंसीलर ब्रश से, और इस ब्रश में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, और ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे से इसे शेप कर देना है, जितने प्रोडक्ट है उतने से ही। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैं की हूँ आईब्रो पेंसिल से, जो कि डेली के लिए मैं बताई हूँ, तो इस तरीके से शेप किया जाए तो बहुत ही अच्छा सा ये आईब्रो दिख रहा है। इसमें ज़्यादा ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें फिल किया हुआ हो, और नेचुरल लुक दे रहा है। और बेस बनाने के लिए जहाँ तक पहले शेप को मैं कर ली हूँ, और इसके बाद यहाँ पे और एक्स्ट्रा कंसीलर डालना है। कंसीलर इतना डालना है कि आपके आईज के ऊपर जो ब्लैकनेस है ना वो कम हो जाए। इनके आईज के ऊपर ज़्यादा ब्लैकनेस नहीं था तो मैं यहाँ पे मैबलिन का कंसीलर यूज़ की हूँ। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आप डेली यूज़ में सिर्फ फाउंडेंसर से भी कर सकते हैं, और यदि किसी के आईज पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो आप करेक्शन करके काम करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी किसी दिन। इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं कि नेचुरल, और इस आईज पे मैं बता रही हूँ कि आप लोग को, आप देख सकते हैं कि इसमें मैं थोड़ा सा हैवी आईब्रो को की हूँ, मीन्स मेकअप के हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा मैं मोटा की हूँ। तो इसको भी लाइनअप इसी तरीके से करना है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से लेकर ऐसे शेप दे ले, और इसके बाद जो ये आईलिड बचा है इसके ऊपर भी कंसीलर को डालेंगे। हाई कवरेज कंसीलर डालना है, क्योंकि आपको ब्लैकनेस को हटाना है। हाई कवरेज कंसीलर डालने से क्या होता है, जो भी हम लोग आई शैडोज यूज़ करेंगे वो बहुत ही अच्छे से निखर के दिखाई देगा, सारा कलर जो कलर होता है वही दिखेगा, क्योंकि ब्लैक पे यदि हम लोग कोई कलर डाले तो वो नज़र नहीं आता है। और इतना करने के बाद आप फिंगर टिप्स से या फिर ब्लेंडर से अच्छे से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर से ही ब्लेंड करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं, और सेम उसी तरीके से आपको ऊपर भी करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर आप आराम से ये काम कर सकते हैं। अब ऊपर भी मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे पाउडर लिए, पाउडर को डायरेक्ट नहीं डालना है, डायरेक्ट डालने से वो केकी होता है, डब 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 करना है, और इसके बाद फिर से पाउडर को लेना है और उसके बाद फिर अच्छे से इसे लगाना है। तो इस तरह से क्या है, ये आई बेस बहुत ही अच्छे से बनेगा, और अब यहाँ पे कोई भी आई शेडो यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छे से कलर उसका दिखाई देगा।
तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कि किस तरीके से परफेक्ट आईब्रो को शेप दे सकते हैं और आई मेकअप के लिए किस तरीके से बेस बनाया जा सकता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और किस किस तरह का आई मेकअप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिए ताकि मैं उस तरह का आई मेकअप आप लोग के लिए लेकर के आऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।